इंदौर में आयोजित पुलिस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का समापन हो गया। इस मौके पर इंदौर टीम नंबर 1, उज्जैन जोन की टीम नंबर 2 और नंबर 3 पर काबिज रही। इस मौके पर इंदौर DIG और उज्जैन IG भी मौजूद रहे। पुलिस महकमे के अफसरों में टीम भावना, अनुशासन और तनाव मुक्त रखने के लिए इंदौर पुलिस द्वारा पुलिस खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान कई जिलों के पुलिस जवान ने इस चैंपियनशिप में खेल का जज्बा दिखाया। इंदौर की टीम ने प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया, वहीं उज्जैन जोन की टीम ने दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया, जिन्हें चैंपियनशिप के समापन के मौके पर पुरस्कृत किया गया। प्रथम स्थान मिल रहा है इनकी व्यवस्था, जोरदार तालियों से इनका स्वागत अभिवादन करें ये विजयी। इस दौरान इंदौर DIG हरिनारायण चारी मिश्र और उज्जैन IG राकेश गुप्ता ने विजेता टीम को बधाई देते हुए पुलिस जवानों का अनुशासन और टीम वर्क के साथ पुलिसिंग करने का संदेश दिया। बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि पुलिस में खेलों का एक अपना विशेष महत्व है और न सिर्फ ये तनाव मुक्ति के लिए बहुत आवश्यक है बल्कि पुलिस में अनुशासन का भाव लाने के लिए भी खेलों की बहुत ही अधिक आवश्यकता है और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष ये जोनल स्पोर्ट्स हमारे यहाँ होते हैं तो इस बार भी वो इंदौर जिले ने आयोजित कराए हैं और बहुत अच्छी तरह आयोजित कराए। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा अनुशासन पुलिस विभाग के लिए आधारभूत तथ्य है, आधारभूत जरूरत है और खेलों के लिए भी यही महत्वपूर्ण जरूरत है। तो मुख्य तौर पर इस तरह के खेलों का आयोजन हमारे जो पुलिस की टीमें हैं उनमें मुख्य तौर पर टीम भावना पैदा करने के लिए और लोगों के उत्साह और जुनून के परीक्षण के लिए किया जाता है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और मुख्य तौर पर आप देख रहे हैं खेलों को लेकर के जिस तरह जवानों में उत्साह है, जिस तरह का अनुशासन रहा, जिस तरह खेलों के प्रतिस्पर्धा का स्तर ऊँचा रहा, ये एक पुलिस के लिए अच्छी बात है और उनमें बेहतर अनुशासन और टीम भावना पैदा करने के लिए उत्प्रेरक। कुल मिलाकर इस चैंपियनशिप के माध्यम से पुलिस जवानों को तनाव मुक्त रखने के साथ साथ अनुशासन, टीम स्पिरिट और बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखना था। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।